किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने का बेस्ट तरीका है उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से जानना, जैसे कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट में यूज़ हुए हैं, वह कितनी प्राइस का है और उसके रेटिंग और रिव्यूज़ क्या हैं। माइसेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। आज के वीडियो में हम दो प्रोडक्ट्स का कम्प्लीटली क्वालिटी चेकिंग करने वाले हैं। आप इसे कह सकते हो कि हम प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसमें हम प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी चेक करेंगे, उस प्रोडक्ट्स की मार्केट में प्राइस क्या चल रही है और उसके रिव्यूज़ और रेटिंग क्या कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं, हिमालय का नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश। इस फेस वॉश में हम सबसे पहले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें 20 इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है। इसमें फोमिंग और क्लींजिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज हुआ है। में हम इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं और वो हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स क्लीन है, कौन से डर्टी है और कौन से हाफ एंड हाफ है, मतलब हाफ डर्टी है और हाफ क्लीन है। इस फेस वॉश के 14 इंग्रेडिएंट कम्प्लीटली क्लीन है, मतलब इन इंग्रेडिएंट्स का हम यदि यूज करें तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनमें कुछ फूड एडिटिव्स का भी यूज हुआ है, जैसे कि ग्लिसरीन, टर्मरिक और कुरकुमा लोंगा, मतलब लौंग। तो ये हमारे स्किन पर यूज करने के लिए कम्प्लीटली सेफ है। अब हम देखते हैं कितने इंग्रेडिएंट हाफ एंड हाफ कैटेगरी के हैं, मतलब हाफ डर्टी हैं और हाफ क्लीन हैं। इस फेस वॉश में 5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि हाफ एंड हाफ कैटेगरी के हैं, मतलब ये इंग्रेडिएंट्स सेंसिटाइजर, एलर्जन और स्किन इरिटेंट्स हो सकते हैं, पर ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन कैसी है, सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन टाइप की है। और दूसरा, प्रोडक्ट में इन इंग्रेडिएंट्स का कितने परसेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कि कम्प्लीटली डर्टी है, वह है फ्रेग्रेंस। इस एक वर्ड फ्रेग्रेंस में ही लगभग 3000 फ्रेग्रेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ होता है, जो कि कंपनी का सीक्रेट होता है। उसको कंपनी को प्रोडक्ट के लेबल पर पूरी तरह से बताना जरूरी नहीं होता, बट ये केमिकल हमारे लिए खतरनाक होते हैं। ये कैंसर कर सकते हैं, कार्सिनोजन होते हैं, स्किन सेंसिटाइजर होते हैं, इरिटेंट्स भी होते हैं और एलर्जन भी होते हैं। और इनका रेगुलर यूज करने से ये किसी भी टाइप की स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं हिमालय के नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश की प्राइस क्या है। इसकी 100 ml प्रोडक्ट की प्राइस 130 rupees है। अब हम देखते हैं इस प्रोडक्ट को कस्टमर ने यूज करके कितने रिव्यूज और रेटिंग दिए हैं। इसकी ओवरऑल रेटिंग हम देखें तो 3.5 स्टार की है। अब हम देखते हैं इसके रिव्यूज। इसमें फर्स्ट रिव्यू हम देखें तो इसमें बताया गया है कि हिमालय नीम फेस वॉश, इट इज़ ए गुड फेस वॉश अवेलेबल इन द मार्केट विथ अफोर्डेबल रेट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्ने। इन्होंने इसको 3 स्टार दिया है। नेक्स्ट है 2021 का रिव्यू, इसने 5 स्टार दिए। हिमालय नीम फेस वॉश सुपर एंड गुड क्वालिटी, इन्होंने भी 5 स्टार के साथ बताया है, अमेजिंग रिजल्ट। इन्होंने 4 स्टार के साथ बताया है, नाइस प्रोडक्ट। और इन्होंने 3 स्टार के साथ बताया है, रिफ्रेशिंग, सॉफ्ट एंड एवरेज फेस वॉश। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रोडक्ट को। इसमें मैंने लिया है गार्नियर मेन ऑयल क्लियर फेस वॉश को। यदि हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इस फेस वॉश में 19 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है। इसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, इमल्सीफायर का यूज़ हुआ है, कलरेंट और फ्रेग्रेंस का भी यूज़ हुआ है, प्रिजर्वेटिव और क्लींजिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट का भी यूज़ हुआ है। इन 19 इंग्रेडिएंट में से 14 इंग्रेडिएंट पूरी तरह से क्लीन है, मतलब यदि हम इनका रेगुलर यूज़ करें तो ये हमारी स्किन पर, हेल्थ पर कोई भी बुरा प्रभाव या बैड इफेक्ट नहीं डालेंगे। अब तक की हुई स्टडीज में इन 14 इंग्रेडिएंट्स को ह्यूमन यूज के लिए कम्प्लीटली सेफ पाया गया है। अब हम देखते हैं 19 इंग्रेडिएंट में से कौन से इंग्रेडिएंट्स हाफ एंड हाफ है, मतलब हाफ डर्टी है और हाफ क्लीन है। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हाफ एंड हाफ हैं। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए इरिटेंट, एलर्जन और स्किन सेंसिटाइजर हो सकते हैं, बट यह है स्किन के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि यदि हमारी स्किन सेंसिटिव है तो ये हमें इफेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं इन 19 इंग्रेडिएंट्स में से कौन से डर्टी इंग्रेडिएंट्स हैं,
तो वो है फ्रेग्रेंस। और फ्रेग्रेंस बहुत सारे केमिकल्स का एक मिला जुला रूप होता है, और ये केमिकल एलर्जन, स्किन सेंसिटाइजर, कार्सिनोजन और स्किन इरिटेंट होते हैं। इनका रेगुलर यूज करने से हमारी स्किन पर बेड इफेक्ट पड़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बाद में हम देखते हैं प्राइसिंग। गार्नियर मेन ऑयल क्लियर फेस वॉश के 100 ग्राम का प्रोडक्ट लगभग 190 रुपीस में आता है, और गार्नियर के इस फेस वॉश की लगभग 10 से 20 साइट्स पर रिव्यूज और रेटिंग चेक करने के बाद इसकी यदि हम ओवरऑल रेटिंग देखें तो वह 3.2 स्टार की है। इन रिव्यूज के कुछ पार्ट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट रिव्यू देखें तो इसमें 3 स्टार के साथ बताया है कि फाइनली सेटिस्फाइड। I do have a lot of problems regarding acne due to which I was very tensed from last few months. This main reason behind this is my oily skin. After trying lot of products, finally I am satisfied with Garnier Men Oil Clear Face Wash. Next review देखें तो इन्होंने 2 star के साथ बताया very harsh and face cleaning product. इन्होंने 5 स्टार के साथ बताया है ऑयल रिमूवल फेस वॉश। इस रिव्यू में इन्होंने 4 स्टार के साथ इस फेस वॉश को फ्रेश एवरी टाइम बताया है। Hi guys, I am using Garnier Men Oil Clear for 1 year and it's really awesome face wash. It's mainly for person having oily skin. I use it daily in night before sleeping. It's very easy to affordable. इस तरह से हमने दोनों प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी रेट और उनके रिव्यूज और रेटिंग को देख करके चेक किया। ऐसे ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।